भ्रंश के बोला जाए तो शायद बहुत कठिन होगा हमें समझना सीखना। तो इसीलिए आज से लगभग 10 शताब्दी पूर्व कैसे अपभ्रंश भाषाओं से अपभ्रंश होकर के हिंदी बनी और आज हम लोग की एक बोली बन गई हिंदी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदी में चर्चा होनी चाहिए, हिंदी बात होनी चाहिए। और हिंदी ने आज के 10 वर्ष पहले सोशल मीडिया से लेके और आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो हिंदी ने अपनी बड़ी जगह बना ली। उसका कारण है कि 30वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग या तो अंग्रेजी में है या तो दूसरा हिंदी में। तो इसलिए हिंदी भाषा को बहुत अच्छा स्थान मिला है। यहाँ से लेके और दक्षिण तक हर जगह हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है। कुछ जगहों पर लोग अपने आप को लेके रिजिड है, एकदम तटस्थ है कि हिंदी नहीं ही बोलेंगे। दक्षिण में जब आप जाएंगे तो आप उनसे हिंदी में कुछ पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप गाली दे देंगे तुरंत तो गुस्सा जाएंगे। समझ में आता है उनको सब है, लेकिन वो तटस्थ है, वो आजादी से लेके आज तक वो लड़ाई चली आ रही है। इसीलिए शायद आज एक भाषा के रूप में भारत को कोई एक भाषा में बांध पाने का काम नहीं हो पाया है और शायद ही कभी वो भी नहीं पाएगा। लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या को भारत में प्रभावित करती है।